उसका दो बाप एक तो पंजा तक अफसोस है उन्होंने लोगों उत्ते जो सोन वेले बुरिया ब्योतां बनाते हैं अते जदों उस वेले जागते हैं तो उन्होंने पूरा करते हैं क्योंकि यह सब कुछ उन्होंने अपने अधिकार विच हुंदा है। जदों वह खेत चाहते हैं तो वह दूजियां दे खो लेंदे हैं अते जदों कर चाहते हैं तो उन्होंने उत्ते कब्जा कर लेंदे हैं। इस तरह वह दूजियां उत्ते अत्याचार करते हैं अते उन्होंने घर अते जायदाद खो लेंदे हैं। प्रभु इन्हां अत्याचारां नूं कहिंदा है मैं तुहाडे उत्ते तबाही लिया रहा हाँ अते तुसी इस तो बच नहीं सकोगे सो तुसी बिपता विच फस जाओगे अते फिर हंकार नहीं कर सकोगे। जदों वह समा आवेगा तो लोग तुहाडी तबाही की उदाहरण देंगे अते वह तुहाडे इस करवे अनुभव का यह गीत गाउणगे असी पूरी तरह नाल नाश हो गए हाँ प्रभु ने साडी धरती साडे तो खो ली है अते साडे उत्ते कब्जा करन वालियां नूं सौंप दित्ती है। फिर जदों प्रभु दे लोकां नूं इह धरती वापस देण दा समा आवेगा तां उस समय तेरा कोई हिस्सा नहीं होवेगा। इह प्रभु दी पाक बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। संत मती दी इंजील 12 बाब 14 ऐत तो 21 ऐत तक। पर फरिंसी बाहर निकले अते उस दे विरुद्ध सलाह मशवरा कीता कि किस तरह उसनू मार दिता जावे। ये जानते हुए यसु उत्थों चला गया। बहुत सारे लोग उस दे पिछे चल पए अते उसने उन्हां सारियां नूं चंगा कीता अते उन्हां नूं ए तकीद कीती कि वो उस दी चर्चा ना करन। ए ओ पूरा करन लई होया जो यशाया नबी राही कहा गया सी, वेखो मेरा सेवक जिसनू मैं चुनिया है, मेरा प्यारा जिस तो मेरी जान बहुत खुश है। मैं अपना रूह उस उत्ते कल्लांगा अते ओ कोमा विच न्याय धर्म दा ऐलान करेगा। ओना बैंस विच पवेगा अते ना ही चीक चीक के बोलेगा, ना ही कोई उसकी आवाज़ गलियां विच सुनेगा। ओ मिदे हुए सरकंडे नूं नहीं भन्नेगा ते ना ही तुखदी हुई बत्ती नूं बजावेगा। जद तक ओ इंसाफ दी जित ना कर लवे अते उस दे नाम विच कोमा उम्मीद रखन गियां। ए प्रभु दी पाक बाणी है। तेरी महिमा होवे आए मसीहा।